याद आपको कुछ होता है क्या बोर्ड? So today we will discuss pseudo force. लोग डिस्कस करेंगे कि ये है क्या, क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं, ठीक है ना? So अच्छा, शुरुआत में हमने बताया था न्यूटन्स लॉ का एप्लीकेशंस में, न्यूटन्स लॉ हर फ्रेम में वैलिड नहीं है. जिस फ्रेम में वैलिड है उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम. और अर्थ को हमने क्या माना था? इनर्शियल फ्रेम. आगे बढ़े, पर सोचो अर्थ के फ्रेम में कोई फ्रेम अगर एक्सेलरेटेड है, अर्थ के फ्रेम में कोई फ्रेम एक्सेलरेटेड है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. तो वहां पे न्यूटन्स लॉ वैलिड, न्यूटन्स लॉ नहीं लिख सकते. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि हमें उस फ्रेम में मोशंस को ऑब्जर्व करना ज्यादा अच्छे से दिखता है, वहां पे मोशंस को ऑब्जर्व करना इजी होता है, वहां पे थोड़ी क्लैरिटी होती है बॉडी के मोशंस में, और इनर्शियल फ्रेम में उतनी क्लैरिटी नहीं होती है. सो मुझे उस फ्रेम में वर्क करना जरूरी होता है. हम कैसे मोशंस को एनालाइज करें? क्या न्यूटन्स लॉ कुछ मॉडिफाई करके, कुछ प्लस माइनस करके क्या न्यूटन्स लॉ लिख सकते हैं? ओके, तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे. तो मान लो क्या आवाज ब्रेक हो रही है? सपोज नहीं हो रही है, देखते हैं. सपोज देयर इज अ फ्रेम एस, और ये फ्रेम जो है वो है इनर्शियल, एंड देयर इज अनदर फ्रेम एस डैश which is moving with some acceleration a naught with respect to s. s dash frame क्या है बच्चों? s के respect में किसी acceleration से move कर रहा. और मान लो एक block है p जिसके motions को हमें analyze करना है. okay, रिलेटिव मोशन में पढ़े तो वही चीज यहां भी कर रहे हैं बच्चों. ये ओ है, सपोज ये ओ डैश है, ऑलरेडी हमने रिलेटिव मोशन में पढ़ा, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं. पोजिशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस, एस फ्रेम जो है वो है ओ पी वेक्टर. पोजिशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम जो है दैट इज पोजिशन वेक्टर ऑफ एस डैश विथ रेस्पेक्ट टू एस जो है वो है ओ ओ डैश वेक्टर. तो इतने जो नाम लिखे ये क्लियर ऑलरेडी रिलेटेड? यस सर. हाँ, दिस थ्री आर रिलेटेड. तो देखो ओपी एज O O dash plus O dash P. O P है क्या? पोजिशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू S. इसको पहले लिख लेता हूं P विथ रेस्पेक्ट टू S dash. बच्चों एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट याद दिला दे रहा हूं, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट बोथ साइड, विथ रेस्पेक्ट टू टी यू विल गेट द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी. यहां तक सबको आता है? एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस. सर रिलेटिव मोशन में. यस, ये पढ़े हो रिलेटिव मोशन. तो यही चीज हमने फिर दोबारा बता दी. तो यहां तक तुम्हें पता है, यहां से आगे मैं कह रहा हूं बच्चों मास से मल्टीप्लाई कर दू. इस ब्लॉक का मास एम है,
शिवानंद लिख लो यहाँ तक, इसके बाद आगे बढ़ते इसको समझाएंगे। yes, इसको पहले लिख लेते हैं। बस अभी कुछ नहीं लिखा बच्चों, ये नोट डाउन कर लो, सब कुछ क्लियर है इसमें, नथिंग एक्स्ट्रा। आदित्य पाटिल क्लियर यहां तक? यस सर। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से सुनना, ये है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू एस। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो इनर्शियल फ्रेम में है बच्चों, तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स होता है, होता है कि नहीं? यस सर। इनर्शियल फ्रेम में मास इनटू नेट एक्सेलरेशन जो है वो दैट इज कॉल्ड टू नेट फोर्स प्लस, ये माइनस साइन है तो मैंने प्लस एम इंटू माइनस एम इंटू ए एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस, ऐसे लिख सकते हैं। अब सुनना बच्चों, ये क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पी With respect to s dash frame, mass into acceleration of p with respect to s dash frame, non-inertial frame acceleration. अब Newton's law क्या है? Newton's का basic क्या है? पहले frame छोड़ दो। Newton's का basic ये है कि net force is equal to mass into acceleration, है ना? तो mass into acceleration को हम net force लिखते थे। लेकिन ये रिलेशन सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है। ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन को इसको अगर हम नेट फोर्स बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। नॉन इनर्शियल में वैलिड नहीं, लेकिन अगर मैं इसको नेट फोर्स बोलूं बच्चों तो उस नेट फोर्स को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू, देखो ये नेट फोर्स है प्लस एक और फोर्स है। देखो मास इनटू एक्सेलरेशन को अगर नेट फोर्स बोलना चाहें तो नेट रियल फोर्सेस और प्लस एक और टर्म आना है, एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करना, और इसका यूनिट कैसा होगा? इसका डायमेंशन किसका डायमेंशन होगा? फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स का। तो अगर इस फ्रेम में हम न्यूटन्स लॉ लिखते हैं, दैट मींस मास इनटू एक्सेलरेशन को फोर्स लिखते हैं, सम ऑल फोर्सेस, तो सारे जो रियल फोर्स है ये फोर्स और प्लस एक और टर्म ऐड करना पड़ रहा है बच्चों, एक और टर्म ऐड करना पड़ रहा है, ये टर्म अगर ये लिखे तो ये आ गया सही, मास इनटू एक्सेलरेशन को नेट फोर्स लिख सकते। आई बात समझ में? देखो अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमें न्यूटन्स लॉ लिखना है, न्यूटन्स लॉ लिखने का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन को समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस लिखना है, तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस तो लिखो ही, प्लस अपने मन से एक और फोर्स ऐड कर दो। ये टर्म अगर ऐड कर दिया तो हम ये इक्वेशंस लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? सॉरी, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए फिर से सुनना, पहले मेरी बात पूरी सुन लो। नॉन इनर्शियल फ्रेम में मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स लिखना, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू, जब फोर्स लिख रहा है तो कौन कौन सा फोर्स लिखेंगे?
सारे रियल फोर्सेस जो लग रहे हैं ये ऑल फोर्सेस हर एक फ्रेम में सेम। अब प्लस देखो ये टर्म है ना, ये एक और एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है ना, ये सुदर्शन, ये सारे रियल। यस सर। अब प्लस एक और टर्म आ रहा है, देखो मास इनटू एक्सेलरेशन कर दो, दिस प्लस दिस आ रहा, मतलब ये टर्म अपने मन से ऐड करना पड़ेगा। तो ये फोर्स एक्चुअली है नहीं, फोर्सेस तो नेट यही है, बट न्यूटन्स लॉ को अगर हमें वैलिड लिखना है, न्यूटन्स लॉ क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू फोर्स, बट ये नॉन यूनिवर्सल में वैलिड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, क्या मॉडिफिकेशन करते हैं, सारे एक फोर्स को ऐड कर देते हैं, प्लस और फोर्स ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग नॉन यूनिवर्सल में वर्क कर रहे हैं, उसको न्यूटन्स लॉ को वैलिड कराने के लिए ये काम अगर कर लेंगे तो हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। तो ये एक्स्ट्रा काम करना, जैसे तुम कभी जाते हो, छोटा सा एग्जांपल ले, किसी सरकारी ऑफिस में जाते हो, आजकल बहुत सारे मतलब काम अगर 100 रुपया का फी है तो क्या होता है 10-20 रुपया वो एक्स्ट्रा मांगते हैं, तो फी तो 10 रुपया है, तो बोलता है यार थोड़ा जल्दी कराना है तुझे, बिना लाइन में लगे हुए कराना है तो यार 20 रुपया और दे दो, तो 20 रुपया दे करके करवा ले तो काम, वही हमें काम कराना है, ये फी तो रियल यही है, बट हमें उस फ्रेम में काम कराना है तो हमें एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। Is it clear? Yes, sir. तो कितना ऐड करना पड़ेगा बच्चों? How much force you have to add? जो फोर्स ऐड करेंगे वो मास अपोजिट साइड मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू द इनर्शियल, और डायरेक्शन माइनस साइन है मतलब अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। तो ये एक्चुअली में ये फोर्स है नहीं, हमें एक एक्स्ट्रा लगाते हैं, तो इसी को इस बोल देते हैं बच्चों, ये क्या है, स्यूडो फोर्स, क्या बच्चों, स्यूडो। जब एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा, अभी थोड़ा थोड़ा समझो, 10-15% भी समझ में आया तो काम होता है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, इमेजिनरी, तो स्यूडो का मतलब क्या हो गया बच्चों, इमेजिनरी, रियली में नहीं है, फॉल्स फोर्स, झूठा फोर्स, फोर्स है ही नहीं है। सर आपका वीडियो लैग कर रहा है। सर 1 मिनट लिखना है। ठीक है, उधर वाला नहीं बेटा। बच्चों सूडो फोर्स को हमने बोला इमेजिनरी फोर्स है, और ये कब लगाते हैं, वी अप्लाई व्हेन वी वर्क इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। और क्यों लगाते हैं, वाई वी अप्लाई, यहां पे क्यों अप्लाई करते हैं बच्चों, टू मेक न्यूटन्स लॉ वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो थोड़ा मॉडिफाई करने के बाद ये न्यूटन्स लॉ हम लिख सकते हैं विथ दैट मॉडिफिकेशन, और ये होता कितना है बच्चों, तभी हमने जस्ट पढ़ा दिया, कितना होता है, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, और डायरेक्शन जो होता है वो माइनस होता है, यही है स्यूडो फोर्स। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन देखना,
मैं कुछ सवाल पहले लूंगा जिसमें कि वर्क ग्राउंड के फ्रेम में काम करो या नॉन इनर्शियल के फ्रेम में काम करो, इक्वली इजी होगा, दोनों से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे एक सवाल लेता हूं, जो एक लिफ्ट है एंड दिस लिफ्ट इज गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन ए नॉट एंड देयर इज अ ब्लॉक मास एम विच इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर। ये मास भी ऊपर जा रहा है बच्चों। देर आर टू ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर ये बैठा है चेयर पे, ये ऑब्जर्वर वन है और एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, ये खड़ा है ऑब्जर्वर टू, ठीक है। तो बच्चों ऑब्जर्वर वन जो है वो इनर्शियल फ्रेम या नॉन इनर्शियल? इनर्शियल। इनर्शियल ऑब्जर्वर वन। इनर्शियल ऑब्जर्वर वन। ऑब्जर्वर टू इनर्शियल है, तो ये हो गया इनर्शियल। इनर्शियल आई होप कि सबको क्लियर है। और ये ऑब्जर्वर जो है नॉन इनर्शियल। तो पहले मैं इनर्शियल के रिस्पेक्ट में बात कर लेता हूँ। इनर्शियल के लिए ये क्या देखेगा, ये क्या देखेगा, तो ये देखेगा एबीडी। देखो ऐसा एक मास है, ये देखेगा कि एक फोर्स लग रहा है mg और एक फोर्स लग रहा है n, ठीक है। ये दो रियल फोर्स किसने देखा, टू ने देखा। और कोई फोर्स है क्या? नहीं। अकॉर्डिंग टू टू ये ब्लॉक रेस्ट में ही एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। ऑब्जर्वर टू क्या लिखेगा इक्वेशन? बहुत बढ़िया बच्चों। अगर मुझे n निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये किसका ऑब्जर्वेशन है? ग्राउंड के ऑब्जर्वर का, ऑब्जर्वर टू का। बच्चों ऑब्जर्वर वन क्या देखता है? ऑब्जर्वर वन का देखते हैं n is equal to mg. Sir, n equal to mg. ये देखेगा कि एक फोर्स लग रहा है n ऊपर, एक फोर्स लग रहा है mg नीचे। और ये फिजिक्स का स्टूडेंट है, इसको पता है कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसने न्यूटन्स लॉ पढ़ लिया है, सूडो फोर्स लॉ की क्लास कर लिया। तो क्या करेगा ये, कहेगा हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम कर रहे हैं तो हमें एक क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन दिखा देंगे। मैग्नीट्यूड हो गया एम ए नॉट का और डायरेक्शन डाउनवर्ड, माइनस एम ए नॉट नहीं लिखना। आई बात समझ में? अपोजिट डायरेक्शन होती है इसलिए हम माइनस लिखते हैं ना। यस, अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस लिखते हैं। क्लियर? हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ मैं क्लास में हूँ, मैं कॉल करूँ बाद में। चलो बच्चों। So, ये लिखा, अब बताओ ये क्या देखेगा, ये क्या देख रहा है, ये देख रहा है ब्लॉक तो रेस्ट में, तो एक्सेलरेशन क्या दिखेगा? जीरो दिखेगा। किसके लिए? ऑब्जर्वर वन के लिए। वन। तो ऑब्जर्वर वन जो है वो लिखेगा, ऑब्जर्वर वन विल राइट एन ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, एम ए नॉट नीचे लग रहा है और बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो, तो नेट फोर्स जीरो। So what he will write? N equal to mg plus m n naught. दोनों से equation same आया ना?
दोनों से हम क्विकली सॉल्व कर लिए, एक ग्राउंड फ्रेम में और एक लिफ्ट के फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में. इज इट क्लियर कि हम सूडो फोर्स कैसे लगाते हैं? यस सर. यस सर. यस. ठीक है बच्चों. सो आगे बढ़ते हैं. सर ये नोट करना है सर. हाँ नोट कर लो, तब तक रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ. सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. बच्चों एक कल ही एक सवाल लिया था ऐसा कि एक वेज है और बच्चों इस पे ना हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं सो दैट दिस वेज हैज सम एक्सेलरेशन ए नॉट. ठीक है, और ये स्मूथ सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है. सवाल दिया हुआ है कि ए नॉट इज सच दैट ए नॉट का वैल्यू इतना है एम ब्लॉक इज एट रेस्ट ऑन वेज कैपिटल एम. रेस्ट में है ना, देन फाइंड ए नॉट. ये ऑलरेडी हमने ग्राउंड फ्रेम में पिछले क्लास में करा दिया था. अब हम क्या करते हैं, अभी एक ऑब्जर्वर को वेज पे बैठा देते हैं, वेज के फ्रेम में बैठा है ये, चेयर पे बैठा है बच्चों, ये ऑब्जर्व कर रहा है इस एम को. ये क्या देखेगा, ब्लॉक क्या है, रेस्ट में. तो ये देखेगा बच्चों कि कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, सो ही विल अप्लाई सम फोर्सेस. देखो कौन कौन सा लगा रहा है, एम जी नॉर्मल फ्रेम, नॉर्मल एक्सेलरेशन. ये दो फोर्सेस देखा, ये दोनों रियल फोर्सेस, ये क्या है, रियल फोर्सेस हैं. अब इसको पता है यार कि हम तो नॉन इनर्शियल में बैठे हैं, हमें एक सूडो फोर्स लगाना होगा. एक्सेलरेशन बच्चों इधर है, टुवर्ड्स ईस्ट है, तो सूडो फोर्स किधर लगाएगा, लेफ्ट साइड, वेस्ट साइड, वेस्ट की. मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ये तीन फोर्सेस हो गए बच्चों, है ना, तीन फोर्सेस हो गए. और ये क्या देख रहा है, ये देख रहा है ब्लॉक रेस्ट में, ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो है. तो ये देखता है, एक काम करते हैं, मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ फोर्सेज को. ये थीटा है सपोज, तो ये भी थीटा, एंगल ये भी थीटा होगा, थीटा, ये एंगल थीटा दे दिया अभी. ठीक है, अभी दिखाइए. सुदर्शन क्या दिक्कत है, सूडो फोर्स किधर लगाएंगे, एक्सेलरेशन इधर, तो सूडो फोर्स जस्ट अपोजिट, देखो इधर एरो, देखो एरो सूडो फोर्स का, एम ए नॉट का. यस सर. अब अगर मैं बात करूं बच्चों कि इसका रिजॉल्व कर लेते हैं, अलोंग द इंक्लाइन फोर्सेस देखते हैं. अलोंग द इंक्लाइन देखो इधर है, कितना है एम ए नॉट का कंपोनेंट, एम ए नॉट कॉस थीटा, एम ए नॉट कॉस, एम ए नॉट कॉस, एम ए नॉट कॉस थीटा. यस, एम ए नॉट कॉस थीटा. और डाउन द इंक्लाइन कितना है, एम ए नॉट साइन थीटा, एम ए नॉट, एम जी साइन थीटा. डाउन द इंक्लाइन एम जी साइन थीटा, एम ए नॉट साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन है. और चूंकि नेट फोर्स जीरो, तो ये इक्वल टू जीरो ना. यस यहाँ से देखो ए नॉट कितना हो गया, कल इसी को हमने ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व किया था, आज हमने सूडो फोर्स से सॉल्व कर लिया. ओके यस सर.
सर अलोंग वाई और एक्स एक्सिस भी कर सकते हैं ना, क्योंकि वो दोनों एक्स और वाई के। यस सर। अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस भी कर सकते हैं क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में है, नेट फोर्स जीरो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिजल्व द फोर्सेज n cos theta is equal to mg और n sin theta is equal to ma naught, ऐसे भी लिख सकते हैं जो डायरेक्शन रिजोल्व करो। अभी हमने किधर रिजोल्व किया, along the x incline, ठीक? Yes sir। चलो बच्चों, तो अब हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। सर वन मिनट। लिफ्ट वाला एक और लेते हैं सवाल और देखते हैं कि तुम लोग सही सही सॉल्व करते हो कि नहीं। एम इज इक्वल टू है बच्चों 5 kg और ये लिफ्ट जा रहा है नीचे एक्सेलरेशन ए नॉट इज इक्वल टू 2 m/s² से। मुझे निकालना है बच्चों एन इस केस में कितना है, ठीक है? और अभी मोशंस को स्टडी करो लिफ्ट के फ्रेम में और एन बताओ। कर पाओगे कैलकुलेट? यस सर। सर हो गया। यस सर। सर एक मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं। सबने आंसर दिया 40 newton, इज इट करेक्ट? यस सर, 40 newton है। यार लिखो, देखो इसमें लिखेंगे फोर्सेस कौन सा लिखेंगे, सबसे पहले 5g ग्रेविटी का, और कौन सा n ऊपर और m n ऊपर। सुडो फोर्स किधर लिखेंगे? सुडो फोर्स ऊपर ऊपर 5 into a0 ऊपर m, और देखेगा एक्सेलरेशन जीरो है तो n प्लस 5 a0 दैट इज इक्वल टू 5g है ना। n इज इक्वल टू 5g हो गया 50 - 5 into a0 2 दिया हुआ है तो जाएगा 40 newton, ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा बताना बच्चों कि अगर मान लो कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो g हो गया नीचे, देन व्हाट विल हैपन? लिफ्ट का सपोज केबल टूट गया, जीरो जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, इसी को बोलते हैं बच्चों की वेटलेसनेस फील होता है।
तुम भी कभी ऑब्जर्व किए होगे कि अगर लिफ्ट में अगर तुमने नीचे जाने का बटन दबाया ना तो तुम्हें थोड़ा सा अपना वेट कम दिखता है ना, जब yes, जाना शुरू करता है उसी समय ऊपर जाने से वेट बढ़ता है। यस, ऊपर जाने से वेट बढ़ता है। तो अगर तुम्हारा वेइंग मशीन, अब मैं बताता हूं, वेइंग मशीन जो होता है बच्चों, ये क्या मेजर करता है? नॉर्मल बच्चों, ये नॉर्मल नॉर्मल ये कितना लगा रहा है तुमको, मतलब तुम इस पे कितना प्रेस कर रहे हो ना। वेइंग मशीन मेजर्स एन, ये एम ने मेजर करता है, मास ऑफ द ब्लॉक ने मेजर करता है, क्या मेजर करता है? एन मेजर करता है नॉर्मल, ठीक है ना। तो एक दिन सुन, एक समय एक चीज सुनना, ये एम जी क्या है? मास इंटू जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये हो गया बच्चों फोर्स विथ विच अर्थ इज पुलिंग द ऑब्जेक्ट। अर्थ इज पुलिंग द ऑब्जेक्ट, तो इसी को बोलते हैं बच्चों वेट, वेट ऑफ द बॉडी। तो मास और वेट में डिफरेंस समझ में आया? वेट हो जाता मास इंटू ग्रेविटेशन। वेट का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। न्यूटन मास का यूनिट क्या है? केजी। केजी। अब एक 5 kg का ब्लॉक अर्थ पे रखोगे तो उसका वेट हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 50 newton। लेकिन उसी ब्लॉक को, उसी 5 kg ब्लॉक को अगर हम लेके चले गए मून पे, तो वहां पे वेट कहेंगे कि मून किस फोर्स से पुल कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। वहां का जी जो जाएगा अलग हो जाएगा बच्चों, अलग हो जाएगा। तो वहां पे उस ब्लॉक का वेट अलग हो जाएगा, तो वेट चेंज हो जाएगा, लेकिन मास चेंज होगा क्या? नहीं सर, मास इनवर्सल। अगर सोचो कि हमने अभी अर्थ पे ब्लॉक का एक रखे, वेट मेजर किया 5 kg मास है, वेट 50 newton आया। अगर हम चले गए उसी ब्लॉक को लेके चले गए एरोप्लेन में ऊपर 10 kilometer ऊपर, वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तुम लोग पढ़ोगे बाद में कि कम हो जाता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ता है बच्चों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम हो जाता है। देन क्या होगा? ऊपर जा रहे बच्चों तो अर्थ उसको कम फोर्स से पुल कर रहा है, तो वेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है, लेकिन मास डिक्रीज। नो सर, क्लियर? नाउ इज इट क्लियर डिफरेंस वेट एंड मास? यस यस सर। सर तो हमें गलत क्यों सिखाते हैं? कहां गलत सिखाते हैं सर? 17 kg बोलते हैं, 17 newton होता है असल में। कितने केजी का है तू? 70 बोला या 17 बोला? बोलो यार। 70 एग्जांपल दिया मैंने। अच्छा, लेकिन तेरा वेट कितना है सर? 52-53 है शायद। 52-53 थोड़ा खाया करो यार, 60 तक पहुंच जाओ। चलो चलो, ऐसे भी 50 भी सही वेट है। 60 ठीक है। तो देखो क्या होता है, वेइंग मशीन पे जब हम अपना वेट मेजर करते हैं तो वेट इसलिए बोलते हैं, एक दिन मैंने सिखाया भी था किसी क्लास में, वेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो नॉर्मल रिएक्शन मेजर कर रहा है, वो वेट ही मेजर कर रहा है। लेकिन वो नॉर्मल रिएक्शन जो मेजर कर रहा है उसने मेजर किया 500, तो वेइंग मशीन पे जो पॉइंटर है बच्चों ये 0 है, और सपोज अभी पॉइंटर यहाँ पे आ गया तो ये था 500 newton का
ठीक है ना, तो उसको क्या किया, इस 500 न्यूटन को 10 से डिवाइड कर दिया और लिख दिया यहीं पे 50 kg, कि यहाँ पॉइंटर मतलब 50 kg। तो क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट किस में है, वेट जाने में, उसके मास जाने में इंटरेस्ट है ना। आ रही बात समझ में? अब बताओ सर, मतलब 500 न्यूटन जो हम फोर्स लगाते हैं जमीन पे वो है? हाँ, 500 न्यूटन जो तुम फोर्स लगाते हो वो है। अगर तुमने इस वेइंग मशीन पे चले गए है ना, इस वेइंग मशीन पे खड़ा हो और बगल से एक दोस्त है जो तुम्हारे सर पे थोड़ा सा एक वजन रख दिया या अपना हाथ ही रख दिया कंधे पे थोड़ा सा, ऐसा होता है, बदमाशी करते हैं बगल से, नीचे से क्या हुआ, कंधे पे हाथ रख दिया और नीचे दबा दिया, क्या होगा, वेट जोन तो मैं आगे एक पेज ले रहा हूँ, एक वेइंग मशीन पे मास चेंज रहता है, वो भी आदमी है, तो इसका सपोज एमजी है, एन है ना, और सपोज ये लिफ्ट में रखा हुआ बच्चों वेइंग मशीन, और लिफ्ट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है ऐसे ए नॉट से, तूने एक और फोर्स लगा दिया सूडो फोर्स, तो यहाँ पे तुम अभी इक्वेशंस लिखोगे एन ऊपर और mg नीचे प्लस ma नॉट नीचे, ठीक है। अब मुझे पता है ये एक्चुअली है एक्चुअल वेट, क्या है ये एक्चुअली, हमारा वेट मशीन मेजर कर रहा, इसको बोलते हैं बच्चों अपेरेंट वेट, जो वेइंग मशीन मेजर कर रहा है। अगर ये एक्सेलरेशन जीरो है तो जो वेइंग मशीन मेजर कर रहा है वो एक्चुअल वेट मेजर कर रहा, अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो ये जो वेइंग मशीन मेजर करेगा वो अपेरेंट वेट मोर देन एक्चुअल वेट है, एक्सेलरेशन नीचे होगा तो अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, लेस देन एक्चुअल वेट हो जाएगा, लेस देन एक्चुअल वेट। और अगर एक्सेलरेशन नीचे जीरो हो गया, सॉरी एक्सेलरेशन नीचे जी हो गया डाउनवर्ड में, तो एन जीरो हो जाएगा, मतलब अपेरेंट वेट जीरो हो जाएगा, इसी को कहते हैं हम वेटलेसनेस फील करते हैं। तो अगर लिफ्ट में कोई आदमी है और लिफ्ट का केबल गलती से टूट जाए, भगवान करे नहीं टूटे किसी साथ ना हो, तो अगर ऐसा हो जाए, आतंकवादियों के साथ ऐसा हो है ना, तो क्या होगा बच्चों, उसको वेटलेसनेस फील होगा, उसको लगेगा नॉर्मल एक्शन जीरो है। यही चीज एक और कहते हैं सैटेलाइट, सैटेलाइट भी ना फ्री फॉल बॉडी अर्थ के अराउंड मूव कर रहा, तो वहां भी बॉडी पे नॉर्मल एक्शन जीरो होता है, वेटलेसनेस फील होता है, अपेरेंट वेट जीरो होता है, ठीक। तो हम वेट के बारे में बता दिया। यही चीज बच्चों वेइंग मशीन पे खड़ा होने की जगह पे एक आजकल स्प्रिंग बैलेंस भी आता है, देखो कभी कभी एक स्प्रिंग बैलेंस आ रहता है, उसमें एक पॉइंटर लगा, ये पॉइंटर मूव करता है, ठीक है ना, और इससे ब्लॉक लगा लिए। तो अगर इस केस में पूछा जाए कि व्हाट इज अपेरेंट वेट, मान लो एक्सेलरेशन सपोज ये ए नॉट है, तो इस पे फोर्स लगेगा बच्चों के एमजी नीचे एक्स ऊपर एमजी और सूडो फोर्स नीचे एम ए नॉट, तो ये कहेगा के एक्स इज इक्वल टू एमजी प्लस एम ए नॉट, तो ये के एक्स मेजर करते हैं, इस के एक्स को क्या बोलेंगे, स्प्रिंग बैलेंस अपेरेंट वेट, ये हो गया एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट। चलो ये कहानी हमने समझा दिया, आगे बढ़े। यस सर। चलो हम लोग सूडो फोर्स पढ़ रहे थे बच्चों, तो सूडो फोर्स में थोड़ा सा सवाल आगे करते हैं, कुछ अच्छे सवाल ले लें, एक अच्छा सा सवाल लेते हैं, थोड़ा अच्छा।
बच्चों एक लिफ्ट है और लिफ्ट में एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ और ये बच्चों स्मूथ इंक्लाइन है, इसका लेंथ दे दिया सपोज एल और इसको दे दिया एक्सेलरेशन ए नॉट ऊपर। अब यहां पे एक आदमी बैठ करके देख रहा है, इसके मोशन को देख रहा है, ठीक है। अब ये कहे कि बताओ व्हेन ब्लॉक विल रीच टू बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, When block will reach bottom of the inclined plane. अब बताओ इसको हमें लिफ्ट फ्रेम में क्यों स्टडी करना है? सुनना, क्योंकि हमें इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो लिफ्ट के फ्रेम में पता है कि यहां से चला यहां आया। अगर हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखें तो इसका मोशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा है, ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा है। इज इट क्लियर? सवाल ही कर रहा है कि इसके मोशंस को लिफ्ट के फ्रेम में स्टडी करो, बिकॉज वी नो द डिस्प्लेसमेंट विद द वेरी क्लैरिटी इट इज एल डाउन द इंक्लाइन, है ना। सो वी शुड स्टडी मोशन ऑफ block in lift frame. क्या ये कंसेप्ट क्लियर यहां तक? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर ग्राउंड फ्रेम में क्यों? चूंकि ग्राउंड फ्रेम में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना देखोगे, कितना होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, बिकॉज पूरा लिफ्ट ऊपर जा रहा है। यस सर। सर एंगल है क्या उधर? हाँ एंगल दिया हुआ, एंगल थीटा दिया, ठीक है ना, एंगल थीटा दिया रहेगा। सो व्हाट वी विल डू, लिफ्ट फ्रेम में स्टडी करेंगे बच्चों। लिफ्ट फ्रेम में इसका एबीडी ड्रॉ करते हैं, कौन कौन सा एबीडी? एमजी। और कौन सा बच्चों फोर्सेज? एमए नॉट। एमए नॉट। एमए नॉट। और कौन सा है? एमए नॉट। नॉर्मल। ये तीन हो गए नॉर्मल। अब बताओ मुझे पता है कि ये इधर एक्सेलरेट करेगा, मुझे ये एक्सेलरेशन A1 चाहिए, A1 चाहिए एक्सेलरेशन, मुझे एक्सेलरेशन A1 चाहिए, ठीक है। तो देखो डाउन द इंक्लाइन कौन कौन सा फोर्स हो जाएगा? एमजी साइन थीटा। एमजी साइन थीटा। एमजी साइन थीटा। एमए साइन थीटा। एमए नॉट। नेट फोर्स इज नॉर्मल। ये नेट फोर्स लिखे हैं किसके फ्रेम में? लिफ्ट के फ्रेम में। एक्सेलरेशन जो है वो भी लिफ्ट के फ्रेम में, ठीक है। सो A1 यहां से आ गया, G प्लस A नॉट साइन थीटा, G प्लस A नॉट साइन थीटा। सो L इज इक्वल टू, टाइम पूछा, L इज इक्वल टू, L चलना है हाफ A1 टी स्क्वायर, सॉल्व हो जाएगा। हाँ सर। एचसीवी का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चंस आज सॉल्व कर लेना, दिस इज योर होमवर्क। मतलब पूरा सर? एचसीवी का लास्ट क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट पे है, ठीक है ना। हाँ वो तीन क्वेश्चन ना सर। तीन ही छोड़े ना मोस्टली, तो सर
अच्छा एचसीवी का 2 sin थीटा आएगा। एचसीवी का हम लोग क्लास में डिस्कस नहीं किए हैं, जो अच्छे सवाल एक हैं, एक आई थिंक 13 कुछ है, फिर एक 1921 कुछ है, 1920-21 में से एक अच्छा सवाल है, दो एक ही सवाल एक ही जैसा है, तो ये जरूर कर लेना, ठीक है। और एक 28 छोड़े हैं, वो सूडो फोर्स अभी करेंगे तो हो जाएगा। नितिन से वाले बोलो क्या दिक्कत है। सर A1 के आगे जो लिखा है जी प्लस ए नॉट 2 साइन थीटा आएगा ना। क्यों 2 साइन थीटा आएगा? कॉमन सर हमने ऐड किया है ना। अरे यार m बाहर ले लिया कॉमन ले और साइन थीटा कॉमन ले लिया तो जी प्लस ए नॉट बचा। ओके सर जी प्लस ए नॉट है ना। चलो बच्चों नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सूडो फोर्स पे अच्छे सवाल बनते हैं ना, तो चार्जिंग खत्म हो रहा है, चार्ज में लगा देता हूँ। सर एचसीवी का पेज नंबर कौन सा? न्यूटन्स लॉ का लास्ट सवाल देख लेना ना, पेज नंबर एक्सरसाइज का लास्ट सवाल। बच्चों एक अच्छा सा सवाल ले लेता हूँ। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चंस। इसके बाद एक ही सवाल लूंगा, तो एकदम ध्यान से ये दोनों सवाल पढ़ लो। देखो पहले से अनाउंस कर रहा हूँ, मुझे अभी ऑफिस निकलना है तुरंत, तो बच्चे वेट कर रहे हैं वहाँ पर। एग्जैक्टली 1 बजे छोड़ दूंगा, टाइम से छोड़ दूंगा। चलो बच्चों अब देखना, बच्चों क्योंकि सर इसमें सूडो फोर्स का कंसेप्ट लगेगा क्या? देखो इसमें अगर मैं बात करूं, इसको रिलीज कर दिया रेस्ट से, सारे सरफेसेज स्मूथ हैं, ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, सो एम कुछ एक्सेलरेशन से इधर जाएगा, लेट्स इट गोज इन दिस डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन ए नॉट, है ना। अब बताना स्मॉल एम का एक्सेलरेशन, सॉरी ग्राउंड से देखना इजी है या कैपिटल एम में बैठ के देखना इजी है? कैपिटल एम, कैपिटल एम, कैपिटल एम में बैठ के देखना आसान है बच्चों। कैपिटल एम में बैठ के देखेंगे तो ये इधर जाते हुए दिखेगा, है ना। यस सर, यस सर। ये सपोज एक्स डिस्टेंस आगे चला जाता है, वेज एक्स डिस्टेंस आगे जाता है, तो ये भी जो इतना लेंथ है ये इधर एक्स लेंथ बढ़ जाएगा। मतलब अगर ये ए नॉट से जा रहा है तो ये इधर ए नॉट से जाएगा, लेकिन एम का एक्सेलरेशन ए नॉट जो लिखे हैं किधर होगा? डाउन द इंक्लाइन, और किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम। इज इट क्लियर? यस सर। इसका एक्सेलरेशन कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में मैं बहुत इजीली ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, इसलिए वी विल प्रिफर टू स्टडी मोशन ऑफ अ स्मॉल एम विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम, प्रीफर करेंगे। ऐसा नहीं कि ग्राउंड फ्रेम में नहीं सॉल्व होगा, बट कैपिटल एम के फ्रेम में थोड़ा आसान हो जाए। बोलो बच्चों क्लियर? यस 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 सर। गुड, तो सबसे पहले मैं एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूँ कैपिटल एम का, कैपिटल एम का एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। देखते हैं तुम लोगों को एफबीडी सीखे हो अभी तक कि नहीं सीखे हो, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले तो एक दो फोर्स मैं ही बताता हूँ, ये हो जाएगा कैपिटल जी, नॉर्मल, ये ग्राउंड लगा रहा है नॉर्मल, तो मतलब का नहीं है, एन नॉट लिख देता हूँ इस नॉर्मल को, ठीक है ना। और बच्चों यहाँ पे टेंशन लग रहा है टी वन, टी सपोज
और बच्चों टी इधर भी सर, इधर भी टी कर रहा है, जनरली बच्चे मिस कर देते हैं, दिस इज टी ऑल्सो, ठीक है ना। और स्मॉल एम कुछ प्रेस कर रहा होगा? नॉर्मल प्रेस कर रहा होगा। मान लो इसका वैल्यू एन ले लेते हैं, एन एन प्रेस कर। और कोई फोर्स लिखेंगे कैपिटल एम पे? नो। सूडो फोर्स लिखेंगे क्या? नो सर। सूडो फोर्स नहीं लिखेंगे बिकॉज कैपिटल एम का एफबीडी हम ग्राउंड के फ्रेम में ही ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राउंड के फ्रेम में ही कैपिटल एम को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है बच्चों? टी इधर, ये बच्चों थीटा है, तो ये भी हो जाएगा थीटा, तो टी माइनस टी कॉस थीटा। और बच्चों एन का भी कोई रोल है क्या? एन, यस सर, सर एन साइन थीटा, एन थीटा प्लस या माइनस? प्लस प्लस एन साइन थीटा। ये हो गया नेट फोर्स, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम इनटू ए नॉट। दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन वन। वर्टिकल डायरेक्शन में लिखने की जरूरत नहीं, एक और वेरिएबल एन नॉट बढ़ जाएगा। अब बच्चों हम लोग ड्रॉ करते हैं किसका एफबीडी? स्मॉल एम, स्मॉल एम का एफबीडी ड्रॉ करते हैं, ब्लॉक ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा फोर्सेस तुझे याद है। सबसे पहले तो एक एन लगा देता हूं इधर, एमजी, एमजी लगा देता हूं किधर? नीचे, स्मॉल एमजी, टेंशन, 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 mg sin theta, mg को रिजॉल्व कर लेंगे सर, mg sin theta, ये theta, mg sin theta minus t1, mg sin theta minus t, yes। लेकिन इसका motions किसके रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं? कैपिटल एम, कैपिटल एम अप्लाई सूडो फोर्स, करना पड़ेगा किधर? देखना मैं सही लिख रहा हूं, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन, लेफ्ट नॉट, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन, सही लिखा क्या? यस सर, यस सर, के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसके वजह से सूडो फोर्स लगा है ना? यस, उसके रिस्पेक्ट में, कैपिटल एम में बैठ के देख रहे हैं ना, कैपिटल एम में बैठ के देख रहे हैं कि वो नीचे आ रहा, डाउन द इंक्लाइन, ग्राउंड फ्रेम में तो आगे भी जाएगा, नीचे भी आएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, कैपिटल एम में बैठ गया है ना, हम लोग तो आसान चाहते हैं ना, इजी इजी सवाल। बताओ बच्चों न्यूटन्स लॉ समझ में आ रहा है क्या? यस सर, यस सर, ये डायग्राम देख के मजा आता है ना, कितने अच्छे अच्छे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, मेरे जिस आदमी भी कुछ कुछ अच्छा ड्रॉ कर लेता है, पीला हरा कलर करके। चलो बच्चों, तो ये एकदम बच्चों घर पे जाकर डायग्राम ड्रॉ करो, एफबीडी लिखो, फोर्सेस को रिजॉल्व करो, यही मेन चीज है, फिजिक्स में इंटरेस्ट यहीं से जगेगा, आगे इसी पे बेस्ट चीजें होगी, तो इसको मिस मत करना बच्चों, मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, न्यूटन्स लॉ को अच्छे से समझना। चलो बच्चों फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं, मुझे एक्सेलरेशन किधर पता है? डाउन द इंक्लाइन, तो वी विल रिजॉल्व फोर्सेस तो mg का कंपोनेंट नीचे हो जाएगा, mg साइन थीटा हो जाएगा बच्चों, प्लस एम ए नॉट कॉस थीटा हो जाएगा, टी ऊपर है, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, इसको ना थोड़ा पहले से लिखता हूँ, ये ना इधर जाता है तो दिखता नहीं, अगर पीडीएफ शेयर करता हूं तो एम जी साइन थीटा माइनस
एम ए नॉट सॉरी प्लस एम ए नॉट कॉस थीटा माइनस टी दैट इज इक्वल टू मास, ये फोर्स लिख रहा है बच्चों कैपिटल एम के फ्रेम में, तो एक्सेसा भी कैपिटल एम के फ्रेम में, तो ये ए नॉट कैपिटल एम के फ्रेम में ही है, एम ए नॉट स्मॉल एम ए नॉट यहाँ पे कैपिटल एम ए नॉट, ये इक्वेशन हो गया क्लियर सर। यस सर, इधर आपने जो एक्सप्रेशन ए नॉट दिया उसमें आपने स्मॉल एम का लिया कि कैपिटल एम का? फिर से बोलो एक बार सर, वो जो इक्वल टू एम ए नॉट किया ना आपने, तो उसमें ए नॉट जो कंसीडर किया वो स्मॉल एम का कि कैपिटल एम का? हाँ एक सेकंड देखना, हमने यहाँ पे बताया था कैपिटल एम का एक्सेस में पहले माना ए नॉट माना, और कंस्टेंट रिलेशन से हमने ये बताया, देखो हमने बता रहे थे कि अगर ये एक्स आगे जाता है तो सर वो समझा सर, तो ये ए नॉट ही आ जाता है स्मॉल एम का विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, यहाँ पे लिखा है स्मॉल एम का एक्सेसन किसके रिस्पेक्ट में, कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में, और कैपिटल आता है। चलो आई होप कि सबको ये क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट बच्चों। अभी तक देखो कि हमारे पास कितने अननोन है, अननोन नंबर वन टी, अननोन नंबर टू एन, अननोन नंबर थ्री ए नॉट, तीन अननोन तो है, इक्वेशंस अभी तक तो दो ही लिखे हैं, वी नीड वन मोर इक्वेशन, कहां से लाए एक और इक्वेशन बच्चों? तो इसका नॉर्मल डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लेते हैं स्मॉल एम का, कंसीडर अभी अलोंग द इंक्लाइन डिस्कस किए थे ना? यस सर, यस सर। Consider perpendicular to the incline. Motion perpendicular to the incline. तो देखो कौन कौन सा है, n है plus m a not mg sin theta, m a not sin theta और mg cos theta ना, opposite direction में? Yes, yes sir, yes sir, mg cos theta, ये equation हो गया three, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन। अब बच्चों तुम्हें क्या करना है, एलिमिनेट करना है ना, तो एक काम करो इक्वेशन थ्री को क्या कर लो, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लो, यहां देखो साइन थीटा है, तो वन में से साइन थीटा ये थ्री मल्टीप्लाई कर लोगे थ्री इंटू साइन थीटा तो चला जाएगा एन, अभी समझ में आया क्यों? यस सर, यस सर, यहाँ देखो बच्चों माइनस टी है और यहाँ पे टी इंटू वन माइनस कॉस थीटा है, तो इसको वन माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, वन माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई ऐड कर दोगे तो मैं क्या करूं बताऊं, वन इक्वेशन प्लस टू इंटू वन माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे बच्चों एन को एलिमिनेट करना है तो एन साइन थीटा है तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे थ्री साइन थीटा, ये कर लोगे तो तुम्हें ए नॉट आ जाएगा सर, सेकंड को वन माइनस कॉस थीटा से क्यों किया? अरे भैया देखो यहाँ टी इंटू वन माइनस कॉस थीटा है ना, ये यहाँ पे सिर्फ टी है, बताओ करना जरूरी है क्या? यस सर, हो गया सॉल्व, हो जाएगा? यस सर, यस सर, एक और होमवर्क दे दें? यस सर, यस सर, बच्चों ये सबके नोटबुक में होना चाहिए ये सवाल जो मैंने अभी करा वो, और एचसी वर्मा का लास्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल आज ही जाकर के पढ़ना है, दो बार ड्राफ्ट बुक में लिखना है समझ के, फिर फेयर बुक में लिख लेना है।
एचसी वर्मा का लास्ट और वो क्वेश्चन भी ना सर जो बचे थे वो तो करना ही है, मतलब नोटबुक में ये लिखना है, उसमें एग्जैक्टली यही है क्या स्मॉल एम है कैपिटल एम है और इसको रिलीज किया रेस्ट से। सर वो मंकी वाला सवाल ना? नहीं नहीं मंकी वाला लास्ट सॉल्वड एग्जांपल। तो ये खुद से आज करना, आज का होमवर्क ये रहा, ठीक है? यस सर। यस सर। थैंक यू सर। एक और सवाल कर लेते हैं उसके बाद बढ़ते हैं। यस सोचो बच्चों, एक ना हॉरिजॉन्टल टेबल है ये, है ना, और हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक ग्रूव बना हुआ, ग्रूव का मतलब ऐसा गड्ढा बना हुआ है जिसमें एक बॉल फिटेड है, एक बॉल जस्ट फिटेड है हॉरिजॉन्टल टेबल और ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है सपोज थीटा और ये स्मूथ ग्रूव है। अब क्या किया बच्चों, इसको ना टेबल को सडनली एक एक्सेशन दे दिया ए नॉट, टेबल हैज गिवन एक्सेशन ए नॉट। अब क्या करते हैं, इसके मोशंस को हम स्टडी करते हैं टेबल में बैठ के। क्या लग रहा है बच्चों, ये टेबल के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा या मूव करेगा? कौन कौन सा फोर्सेस वो देखना बच्चों, इस पे जो फोर्सेज है ना, एक तो ग्रेविटी का फोर्स जाएगा सीधे नीचे, सीधे नीचे हो जाएगा ग्रेविटी का फोर्स बच्चों, एक नॉर्मल फोर्स हो जाएगा जो इसके ऊपर होगा, ऊपर वर्टिकल अपर। तो ये दोनों चूंकि थ्री डी में तो दिखा नहीं सकते अच्छे से, और एक फोर्स हो जाएगा बच्चों ये सूडो फोर्स, कैसा हो जाएगा, एक्सेशन के जस्ट अपोजिट, अपोजिट अपोजिट। और ये जो वॉल है ग्रूव का वॉल, वो भी कुछ फोर्स लगाएगा, इतना फोर्स लगाएगा कि इस ब्लॉक को टेबल के रेस्पेक्ट में इधर जाने नहीं देगा। आ रहा समझ में? यस सर। में यस सर। क्या हुआ, तो दिस ब्लॉक इज कन्फाइंड टू मूव ओनली अलोंग द ग्रूव, परपेंडिकुलर टू द ग्रूव, तो मूव नहीं करेगा। सो अलोंग द ग्रूव इसका कौन कौन सा फोर्सेज है बच्चों, क्योंकि mg तो वर्टिकल है, n वर्टिकल अपवर्ड है, ग्रूव के वॉल जो है वो कुछ नॉर्मल फोर्स लगा रहा है जो नॉर्मल टू द ग्रूव है, एक ही फोर्स बचा ma नॉट का इधर कंपोनेंट, ma नॉट cos थीटा, है ना। सो कंसीडर मोशन ऑफ ब्लॉक प्लेस्ड इनसाइड groove on a horizontal table। कोई बता सकता है what is accession of the block with respect to groove या with respect to table? कहोगे सर एम ए नॉट का जो ये कंपोनेंट है, एम ए नॉट साइन थीटा, वो कोई काम का नहीं, एम ए नॉट कॉस थीटा ही है, एक ही फोर्स एम ए नॉट कॉस थीटा, एम इंटू ए जो रिलेटिव एक्सेशन है उसके रिस्पेक्ट में, दैट इज इक्वल टू एम ए नॉट
cos theta, a is equal to आ गया a not cos theta. Is it clear? Yes sir. Yes sir. बच्चों आज क्लास यहीं फिनिश करते हैं.